लक्ष्मी बॉम्ब का कल ट्रेलर आया, अक्षय कुमार उन्होंने बेहद स्मार्ट मूव किया। पिछले कुछ दिनों में जो जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का खामियाजा सड़क टू और खाली पीली को भुगतना पड़ा, उससे सबक लेते हुए अक्षय कुमार एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दर्शकों पर ताला लगा दिया, उनके एक्सप्रेशंस पर ताला लगा दिया। उन्होंने अगर मैं बात करूं तो ये उनका ट्रेलर है। ट्रेलर में उन्होंने लाइक डिसलाइक का बटन ऑफ रखा है, नो लाइक नो डिसलाइक्स। 80 लाख व्यूज हुए हैं 22 घंटों में, 8 मिलियन, लेकिन कोई लाइक डिसलाइक नहीं है। अगर लाइक डिसलाइक का बटन होता तो लोग यहाँ पर जो है बहुत सारा डिसलाइक करते। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कमेंट में लिखे दिस इज चीटिंग, वी वांट टू सी द नंबर ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक, और उसको 5400 जो है लोगों ने लाइक किया इस कमेंट को। बहन डर गई, डिसलाइक का बटन छुपा दिया, तो कहीं ना कहीं लाइक डिसलाइक डिसेबल कर दिया है, डर गए बाबू। कंचना की कॉपी है ऑलमोस्ट। अच्छा, कि कुछ लोग फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो आमतौर पे अगर लक्ष्मी बॉम्ब आती तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती, क्योंकि बहुत अलग जॉनर की फिल्म लग रही है। और हॉरर कॉमेडी एक इंटरेस्टिंग जॉनर है, और पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की फिल्म नहीं आई है। और कॉमेडी में अक्षय कुमार पॉपुलर हैं, और हॉरर कॉमेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल दर्शक जिस मोड में हैं वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे से हटकर कोई और मुद्दा देखना नहीं चाह रहे, और स्पेशली बॉलीवुड स्टार्स की फिल्म को डिसलाइक करना चाह रहे हैं। इसलिए अक्षय कुमार की फिल्म को भी डेफिनेटली बहुत लोगों ने डिसलाइक करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो है वो बटन ऑफ है। अब देखना यह है कि जब फिल्म रिलीज़ होती है तब क्या होता है। वैसे आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए, और अक्षय कुमार आपको कैसे स्टार रखते हैं वो भी बताइए, क्योंकि अक्षय कुमार ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था कहीं ना कहीं अपना माहौल ठीक करने के लिए, फिर उसका भी कुछ ज़्यादा असर हुआ दिखता नहीं, यही कारण है कि उनको डिसलाइक का बटन बंद करना पड़ा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। बने रहें मेरे साथ लगातार।